नहीं गई थी भाई मेरा नहीं। सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। पहले स्कूल नहीं गई थी, वो भी मेरे वर्क कंप्लीट नहीं है। मटर कर करके कर करके कर करके बनाएंगे सेंटा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक निमंदर ब्लॉग। सो गाइस, टुडे ब्लॉग इज, आज के ब्लॉग में हम बाहर जाने वाले, मतलब आज का ब्लॉग आउटडोरिंग ब्लॉगिंग होने वाला है। सो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाओगे। सो पूरे वीडियो को इन्जॉय करना, तो पूरे एंड तक बने रहना वीडियो में। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं गेट के बाहर आ गई हूँ, और चलो आपको थोड़ा अच्छे से व्यू दिखाते हैं अपने घर के आसपास का। वो नहीं पलता है, वो वही जा रहा है। तो गाइस, ये जो टावर है ना, ये केवल नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि कपड़े सुखाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोग ये देखो, कपड़े हो, पैदान हो, बोरा हो, बल्टी, साबुन, टिकिया, फिकिया, कुछ भी हो, सब कुछ आप इससे सुखा सकते हो। सो गाइस, अभी मैं बाहर हूँ, मैं पहली बार, मतलब हाँ पहली बार आउटडोरिंग ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो सब कोई मेरे को ही देखा जा रहा है। अभी एक अंकल जी थे, वो भी मेरे को ही देख रहे थे। अभी पीछे आंटी जी थी छत पे खड़ी, वो भी मेरे को ही देखी जा रही है। मैं तो आप लोग से बात ही नहीं कर पा रही है, मेरे को मतलब यार बहुत अजीब लग रहा है आउटडोरिंग ब्लॉगिंग करने में। ये देखो पेड़ है, कोई साथ में होता है ना, मतलब सपोर्ट मिलता है। वो देखो एक पीछे से दिख नहीं रहे, देखिए होगे पीछे से कोई आ रहा है। सब कोई मेरे को ही देखे जा रहा है, लड़की कर क्या रही है, मेरे को खुद नहीं पता ये व्लॉग कैसा होने वाला है। ओ भाई, इसके पहले वाला व्लॉग बहुत मस्त था, जो वो भी आउटडोरिंग ही था, ये सेकंड व्लॉग है आउटडोर वाला। और मैं बहुत ज़्यादा धीमे धीमे चल रही हूँ, बिकॉज मैं आप लोग से बात नहीं कर पा रही थी इधर, तो मैं उधर उधर का दिखा दे रही थी। ये देखो थोड़ा सा नज़ारा, और अभी आगे बहुत ज़्यादा ही कचरा है, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये गली पूरी कचरे से भरी हुई है, देखो। हम लोग घूमते फिरते कहीं भी आ, ओ भाई साहब, ये देख रहे हो, गजब। कोई है नहीं, अभी बात करती हूँ। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ ना, क्रिसमस बनाना है, क्रिसमस ट्री, तो उसके लिए सामान लेने जा रही हूँ, और सेंटा भी बनाऊंगी तो वो भी संभाल लूँगी। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो चुका है, तो उसके लिए मैं सिरप भी लूँगी, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं, अभी फिर से कोई दिख गया है, खोज करते हैं आगे कोई मैम ले जा लोग, ताकि मैं आप लोग से बात कर सकूँ। फाइनली अभी समय आप लोग से बात कर पा रही हूँ, मैं बाहर कैमरा फेस नहीं कर पाती, ये मुझे भी पता है, आप लोग को भी पता है। तो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ कॉफी बुक की छोटी सी शॉप पे, एंड यार ये देखो एक गाय जा रही है, और इसकी एक सींग छोटी सी, एक बड़ी सी, आई थिंक उसकी सींग कोई काट दिया होगा, पीछे उसका बच्चा गया था।
एंड हम इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि हमें एक चार्ट पेपर चाहिए। चार्ट पेपर के बिना क्रिसमस ट्री नहीं बनेगी, और भी हमें सामान चाहिए जो कि हम आगे से लेंगे। गाइस आई एम वेरी वेरी ओह माय गॉड, सो गाइस आई एम सॉरी, मैं सामान तो लेते आई बट आप लोग को मैं आगे का ब्लॉग मतलब इसके पहले का ब्लॉग नहीं दिखा पाई कि मैं कहाँ गई थी, कैसे ली, क्या थी, सो उसके लिए सॉरी। इंडिया भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं टाइम देख रही 4:31, आधा घंटा हो गया, बहुत लेट हूँ। चलो घर चल के आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस अभी अगल बगल सब कोई मुझे ही देख रहा है और मैं जल्दी जल्दी निकल रही हूँ घर को, अपना मुंह छुपाते हुए सामान से। सब सोच रहे हैं क्या कर रही है पागल कहीं की, एकदम से पागल है ये लड़की। ना तो महंगा मिला, बताए कैसे पता चला, हम गए वहाँ तक गणेश अंकल के यहाँ तक, तो वो बताया कि ये इतने का नहीं इतने का, तो वहाँ सामान लेके यहाँ पे रिटर्न किए फिर वापस पैसा लिए। और देखो यही दवाई थी क्या, एक मिनट सही से सूट ही नहीं हो रहा है, तो यही दवाई थी नहीं, वो तो दूसरा दे रहे। चलो ठीक है, कहाँ से लाई है? यहीं से जहाँ से आप बोली थी। तो तुम कहाँ से पहले कहाँ लाई थी ये सामान? अरे ये मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर वाले के सामने से ली थी, तो ये मेरे को 5 रुपये में दिए, वो जो दी थी वो 3 रुपये में मिलता है, और मेरे को 10 रुपये की दी, ये हम भाई अंकल जी के यहाँ से 5 का लाए। अच्छा चलो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं आई हूँ बार बार मतलब बाहर से, मैं आपसे बाहर मतलब ऐसे ऐसे दिखा भी रही थी बट बोल नहीं पा रही थी। एक्चुअली इधर उधर अगल बगल के सारे लोग थे तो मैं पब्लिक में भी बोल नहीं पाती बिकॉज अभी मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ, बड़ी क्या अभी तो मैं छोटी भी नहीं हूँ। आप लोग तो व्यू ही नहीं बढ़ाते मेरे, हैं क्यों नहीं बढ़ाते बताओ, क्यों नहीं बढ़ा रहे व्यू? सो गाइस मैं सामान लेके आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे क्रिसमस ट्री बनाना है एंड सेंटा क्लॉज बनाना है। दीदी पता है सुनो, मैं ना गई थी गणेश अंकल के यहाँ दुकान पे, तो वहाँ पे मेरे को सेंटा का वो दिखा था टोपी और वो इसका फेस, मेरे को वो लेना है, दिलाओगी ना? ये गाइस जो जब क्रिसमस आएगा ना उसका मेरे को लग रहा है कुछ स्पेशल व्लॉग मिलेगा आप लोग को, है स्पेशल व्लॉग, बड़े खुश हो रहे हो जानती, बहुत खुश हो रहे हो। सो गाइस जो आने वाला व्लॉग है क्रिसमस का वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जैसा कि आपको मेरी बातों से पता चल रहा होगा। ये मुझे पता, मैंने बोला था ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आगे भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा स्किप मत करना नहीं तो आप वीडियो को मिस कर दोगे पूरी इंजॉय करने से। सो प्लीज़ वीडियो जरा से भी स्किप मत करना, स्किप मत करना, बिल्कुल भी नहीं। जुल्फी पता नहीं कहाँ से आ जा रही है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने आपसे बहुत ज़्यादा ही बक बक पहले कर ली हूँ और दीदी से बात भी कर रही थी वगैरह वगैरह के बारे में। सो आप लोग को देखना है मैं क्या क्या सामान लाई हूँ बनाने के लिए, बट ये लोकेशन अच्छी नहीं है ना, नहीं अच्छी है। अरे कोई बात नहीं यार, टेंशन क्यों ले रही, तुम्हारी बहन है ना, चल चेंज करते हैं, बिल्कुल बेकार फट्टू, अंधेरा अंधेरा पूरा लग रहा है, बस मेरा चेहरा ही चमक रहा है, तो चलो लोकेशन चेंज करते हैं। सो गाइस ओह माय गॉड ये क्यों गिर रहा है। सो गाइस पहला चीज़ मैं गई ग्लू लेने बिकॉज मेरा ग्लू ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं सबसे पहले मैंने एक ग्लू लिया छोटा सा, ज़्यादा ग्लू की क्या ज़रूरत थी यार, ज़्यादा ग्लू उसमें लगेगा भी नहीं। एंड उसका जो सेंटा क्लॉज का जो ट्री होता है ना क्रिसमस ट्री, उसमें जो ऐसे मतलब ट्री का वो बनाने के लिए ये मैंने 4 कलर पेपर लिए हैं ग्रीन कलर के, मस्त है। हरी हरी चूड़ियाँ क्या होता है, हरी चूड़ियाँ। एंड जब मैं क्रिसमस ट्री बना लूँगी तो उसके ऊपर से ये बबल्स से बड़े अच्छे लगेंगे, इसलिए उसके ऊपर जब मैं लगाऊँगी ना बहुत ज़्यादा ही लुक एकदम प्यारा लगेगा। उस वो लगाने वगाने वाला व्लॉग कल मैं शूट करूँगी, थिंक कल भी स्कूल ही जाऊंगी, पता नहीं यार आज मैं स्कूल ही नहीं गई थी बिकॉज दीदी बोल रही है वही यार कोरोना हो जाएगा तुम गोपी बोली, नहीं इसी चुका स्कूल, मत जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। आय हाय कितना प्यार करती है,
पर मैं क्या की, मैं रोने लगी। मैं बोली कि स्कूल क्यों नहीं जाने दे रही है, मेरे इतने सारे कैमर की छूट जाएगा 2 वीक में पहले ही स्कूल। हाँ, 3-4 कॉपी कंप्लीट हो गई है, वो बात अलग, बट अभी और ढेर सारा हो गया होगा। हिस्ट्री वाली मैम को तो आप लोग जानते हो ना, कितना ज़्यादा अपना कसर निकालती है हम लोगों के ऊपर, 2-2 पेज का आंसर लिखवा लिखवा के हम बच्चों की तो जान ही ले लेती हैं, हैं। और जो मैम ने टिक द करेक्ट मल्टीपल चूज क्वेश्चन, एक ही होता है, और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड आंसर एंड मैप वैप जो फिलअप करवाया था वो तो मैंने कर लिया 3-4 पेज में, बट अभी जो क्वेश्चन कराएंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट वो कैसे होगा पता नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, दिमाग खराब मेरा, तो ये उससे बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड या सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे केमिस्ट्री के लिए दिखा दूँ, ऐसे दिख ही गया था, ये रहा स्टार जो कि उसके ऊपर ऐसे करके लगेगा ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। जो क्रिसमस वाला है, 3 व्लॉग बनाने वाली हूँ मैं क्रिसमस के, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी कल मैं व्लॉग बनाऊँगी, उसमें मैं क्रिसमस ट्री बनाऊँगी एंड सेंटा बनाऊँगी, और उसके बाद वाला जो व्लॉग बनाऊँगी वो 24 को ही नहीं 25 को ही आएगा, मैं एडिट करके 25 या 24 को पक्का उसी में डालूँगी। एंड या गाइस, मेरे को ये वाइट कलर भी लेना पड़ा बिकॉज ये ख़त्म हो रखा था, मेरे पास नहीं है और इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सो मेरे को ये ख़रीदना पड़ा, बहुत महंगा मिला है, ऐसे मत देखो। तुम लोग को क्या पता यार, मैं व्लॉग बनाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, खर्चा कर रही हूँ, पर पता नहीं क्या है, मेरा लक ना बहुत ज़्यादा खराब। ये सीरियसली है, मत सोचना कि ये तो लड़की ऐसे ही है मजाक करती रहती, सीरियसली यार मैं इतने ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, सोचो अगली साल मेरा 10th है, छोटी सी लड़की इतना काम कर रही है, तुम लोग वीडियो को वायरल नहीं कर रहे, तुम लोग चाहते ना तो वीडियो मेरा वायरल हो जाता, बट क्या कहें आप लोग को, हम आप लोग हमारे सुनते नहीं हो, सब कोई डाल रहा फर्स्ट व्लॉग उनका तो आए हाय हाय, क्या व्यू गेन हो रहे इतने सारे, मेरे ही व्यू गेन नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा, मैं बात नहीं करना चाहती अब आप लोग से। हाँ तो और भी चीज़ें थी, इमोशनल बातों को साइड में रखते हैं, तो देख लिए सारी चीज़। और चार्ट पेपर वगैरह है मेरे पास, जो उसके अंदर लगे, उसके अंदर ऐसे करके कुछ लगाएंगे, उसके ऊपर से ऐसे बड़ा अच्छा लगेगा, फिर उसके ऊपर से फिर उसके ऊपर से बहुत अच्छा तो बनना चाहिए। और मैंने एक देखा था वीडियो ना, इसमें वो बॉटल काट काट के, स्प्राइट की बॉटल काट काट के, स्प्राइट की बॉटल का मटर कर करके उन्होंने सेंटा को बनाया था, तो बस हम भी वैसे ही स्प्राइट की बॉटल का मटर कर करके बनाएंगे सेंटा। एंड या गाइस, आपको वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब है, बट है तो ये मैं 12 ईयर के ऊपर वाले बच्चे पी सकते हैं इसको, तो मैं गई उनको बोली हैं तुम 12 से ज़्यादा की हो ना, बोले हाँ मैं 12 से ज़्यादा की हूँ, यकीन करो मेरा। तब मेरे को ये दिए, देखो ये किस चीज़ की, हाँ ये वो खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, और मेरा तो पूछो ही मत, मेरा पूरी ठंडी भर रहेगा, और पूरी ठंडी भर मेरे को ये सिर्फ पीना, बोले हैं डॉक्टर कि इसे हर फोर आवर में 2 चम्मच घटक के पी जाना है, कुछ भी मैं ही पागल, बस इतना ही था और क्या। और पहले मैं ये गई थी तो ये मेरे को सड़ा वाला ग्रीन कलर मिला, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, इसका हम लोग बना लेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ न्यू ईयर पे कार्ड बना लेंगे। वैसे बहुत खर्चा हो गया, पर तुम लोग इतना खर्चा होता तब भी तुम लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, सो गाइस चलो बस इतना ही देख लिया ना, मज़ा आ गया।
या गाइस, मैंने बहुत दिन से इंस्टा पे कोई भी रील वगैरह नहीं बनाई है बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सो अभी मैं जा रही हूँ रील बनाने, तो चलो रील बना लेते हैं, उसके बाद आपको साथ रील दिखा भी दूंगी और उसमें वॉइस नहीं रहेगी, हम रील सारी नहीं तो मेरे को कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा ना भाई, कॉपीराइट क्लेम ही तो दिक्कत है, नहीं तो मैं आपको रील दिखा देती। बट कोई बात नहीं, अगर आपको रील देखनी है तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, सिजू का ब्लॉग ये मेरी इंस्टा आईडी, नहीं तो आपको अबाउट में भी मेरी इंस्टा की आईडी मिल जाएगी। सो चलो रील बनाते हैं। Goodbye to everybody.